6 दिसंबर से शुरू हो रहे दो दिवसीय राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के शुभारंभ अवसर पर हमीरपुर में करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन होंगे। राज्य स्तरीय इस उत्सव का शुभारंभ करने आ रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां कई नव निर्मित भवनों के उद्घाटन करेंगे, वहीं कई सरकारी भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। डीसी हरिकेश मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम के अनुसार वे 6 दिसंबर सुबह हवाई मार्ग से हमीरपुर पहुंचेंगे। सर्वप्रथम वे अणु स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात वे जनियारा में ईवीएम भंडारण ग्री बियर हाउस का शिलान्यास, सासन में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण कुटीर का लोकार्पण, हथली कड़ के समीप आदेशक गृह रक्षक वाहिनी के कार्यालय भवन का लोकार्पण किया जाएगा। उसके तत्पश्चात मुख्यमंत्री गसोता में पेयजल आपूर्ति योजना गसोता तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लंबरू व घग्गल के लिए 33 केवी सब स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। इसी दिन दोपहर बाद वे मठाणी में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत वे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमीरपुर में जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। हमीरपुर शहर से अतिक्रमण को हटाने के लिए काम जोरों से शुरू है, लेकिन शहर में कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए पिंक एंड चूज किए जाने से जिला प्रशासन की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि कुछ रसूखदारों को बचाने की कवायद में जिला प्रशासन दिख रहा है। आपको बता दें कि नादौन चौक से सुजानपुर मार्ग पर दोनों तरफ से सड़क किनारे फुटपाथ बनाने के लिए दशकों से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर रसूखदार के भवनों के बाहर नाले के साथ फुटपाथ के काम को भी विराम लगाया हुआ है। वहीं बस अड्डे के सामने खोखा धारकों के अतिक्रमण को हटाने में भी अभी तक जिला प्रशासन नाकाम सिद्ध रहा है। बस अड्डे के सामने खोखों को हटाने के लिए भी जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ खोखा धारकों के हाई कोर्ट में चले जाने से मामला घटाई में पड़ गया है। वहीं खोखा धारकों ने भी जिला प्रशासन पर खोखा धारकों की रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि जिला प्रशासन जबरदस्ती खोखा धारकों पर कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा बनाए गए खोखों में जगह बहुत कम है और ऐसे में खोखे चलाना मुश्किल होगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन इस तरह खोखा धारकों पर जबरदस्ती कार्रवाई ना करे। स्थानीय दुकानदारों ने मांग की है कि फुटपाथ बनाने के लिए कई जगहों पर ज्यादा खुदाई की गई है, तो कई जगहों पर रसूखदारों के चलते कम जगह पर फुटपाथ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द फुटपाथ को बनाने के काम को किया जाए। उधर जिला उपायुक्त हरकेश मीणा की माने तो उनका कहना है कि जिला प्रशासन पूरे मानकों के तहत खोखा धारकों पर कार्रवाई करने के लिए काम करेगा। फुटपाथ के लिए रसूखदारों को बचाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कभी भी पिंक एंड चूज नहीं करेगा और सब जगह कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया जाएगा।